पिछले कुछ दिनों से कोविशील्ड वैक्सीन चर्चाओं में है। दरअसल ग्लोबल फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कबूल किया कि इस वैक्सीन से ब्लड क्लोटिंग हो सकता है और रेयर केस में इससे मृत्यु भी हो सकती है। ये वैक्सीन भारत सरकार ने नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई थी और इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी छपी रहती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स सामने आने के बाद सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटा दी गई है। कांग्रेस नेता वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने ये कथित सर्टिफिकेट की तस्वीर शेयर की और ऐसा ही दावा किया। और भी कई यूजर्स ने ये दावा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण भी शामिल है। ऑल्ट न्यूज ने इस दावे की असलियत का पता लगाने के लिए जांच शुरू की। हमें 1 मई 2024 की द प्रिंट की ये रिपोर्ट मिली, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसर के हवाले से बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट से आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर हटाई गई है। आगे जांच जारी रखते हुए हमें साल 2021 की ये रिपोर्ट भी मिली। इस आर्टिकल में लिखा है कि चुनाव आयोग ने असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने को कहा था। यानी लोकसभा चुनाव और आचार संहिता को देखते हुए वैक्सीन के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाई गई थी, न कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आने के बाद उनकी तस्वीर हटाई गई थी।